नमस्कार, मैं हूं गजाला प्रवीण और आप देख रहे हैं कांचा न्यूज। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जसीडीह देवघर रेल लाइन पर हादसा होने से पहले रुकी रेल, रेल पटरी टूटने के कारण रेल यात्री घंटों रहे परेशान। इलाज सस्ती के बजाय हुई महंगी, सदर अस्पताल में अब रजिस्ट्रेशन के लिए दो नहीं देने होंगे 10 रुपये। लोकसभा चुनाव में सीवीजी लैब का होगा इस्तेमाल, चुनाव की गड़बड़ी पर आयोग सख्त। और बुढ़ई जलाशय योजना के विस्थापितों ने की आम सभा, मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष मौजूद। अब खबरें विस्तार से। जसीडीह देवघर रेल लाइन पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लोगों की सूझबूझ के कारण हादसे को टाला जा सका। बताते चले कि जसीडीह देवघर ईएमयू जैसे ही दड़वा नदी पुल पार की, तभी एकाएक पता चला कि बेला बगान के समीप रेल पटरी टूटी हुई है। इसके बाद इसकी सूचना तुरंत रेल चालक को दी गई, जिससे समय रहते ही रेल को रोककर मरम्मती की गई, जिसके बाद ईएमयू रेल बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुई। इस दौरान रेल यात्री को घंटों इंतजार करना पड़ा। अफरा तफरी क्या है, कब फिट देगा नहीं देगा, टीएक्सर वाला जाएगा तब ना, तो बिना टीएक्सर का तो हम लोग गाड़ी खुलाएंगे नहीं। हम लोग उधर से आने के समय में क्या क्या हुआ, 10 इंची उसका ट्रैक टूटा हुआ था। अच्छा, तो फिर पब्लिक ही हम लोग को इशारा किया था ना। हो कितने बजे की ट्रेन थी, गैंगमैन का कितने बजे की ट्रेन थी, हम देखे वो वहाँ से जसीडी से 8:45 का ट्रेन थी। सूचना भवन के सभागार में आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वरीय पदाधिकारी सह प्रशिक्षु आईएएस हेमंत सत्ती, सूचना विज्ञान पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी एबी रॉय, प्रशिक्षक सत्यम कुमार, सभी पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक व सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। बात करने के दौरान वरीय पदाधिकारी हेमंत सत्ती ने जानकारी दी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप सीवीजी लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए आम जन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का रिपोर्ट कर सकेंगे। यह ऐप निर्वाचन की घोषणा की तिथि से प्रभावी और मतदान के एक दिन बाद तक बनी रहेगी। लोकसभा आम चुनाव 2019 में पहली बार इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव इस समय अपने लास्ट लेग में है और कभी भी आचार संहिता की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जा सकती है, तो उसी से संबंधित आज एक ट्रेनिंग पुलिस अधिकारियों को दी जा रही है, जिसका नाम है सी विजिल, विजिलेंट सिटीजन। उस ऐप, एक ऐप डिजाइन किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, जैसे आप लोगों कोई भी हो सकता है, वो नागरिक किसी भी ऐसी चीज़ को रिकॉर्ड करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज सकता है, फ़ोटो खींच करके भेज सकता है, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हो। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बिना किसी की अनुमति की रैली कर रहा हो, चुनाव में पैसे डाल रहा हो, पैसे बांट रहा हो, शराब बांट रहा हो, किसी भी ऐसी चीज़ को वो रिकॉर्ड करके भेज सकता है और उसका जो रिड्रेसल है, हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से 100 मिनट के अंदर उस चीज़ का रिड्रेसल किया जाना है और 100 मिनट के अंदर हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेजनी है। तो इससे संबंधित हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि जो इलेक्शन है वो साफ सुथरा इलेक्शन करवाया जा सके। इलाज की जरूरत किसी नहीं होती है, गरीब से लेकर अमीर तक हर किसी को इलाज की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सरकार की ओर से सदर अस्पताल जैसी सुविधा लोगों के लिए बहाल की गई है। लेकिन देवघर सदर अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों से टैक्स पर टैक्स वसूल किए जाते हैं और ये सब होता है अस्पताल प्रबंधन और सिविल सर्जन के आदेश पर। हम आपको बता दें कि सदर अस्पताल में इलाज कराने गए लोगों को 2 रुपये के रजिस्ट्रेशन के बाद इलाज मुहैया कराई जाती थी, लेकिन अब उसी रजिस्ट्रेशन के 10 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आप आपातकालीन सेवा लेते हैं तब भी अस्पताल प्रबंधन आपसे 5 रुपये वसूलेगी। बात यही खत्म नहीं होती है, अगर आप वाहन से अस्पताल पहुंचते हैं तो उसका भी पैसा वसूल किया जाता है। अब इस हिटलर शाही आदेश के बाद अस्पताल प्रबंधन और सिविल सर्जन के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। इसका मूल में क्या करने चाहते हैं, हम यही करने चाहते हैं कि कुछ कम रेट लगाया जाएगा, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, क्योंकि इतना दे नहीं सकते हैं, उससे हम अधिक क्या कर सकते हैं।
हम इसके बारे में यही कहेंगे कि इसको बढ़ा ही नहीं देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। कम बेसी का सवाल ही नहीं है। जो भी लोग जा रहे हैं, गरीब तबके के लोग जा रहे हैं, इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, पीड़ित हैं, इसीलिए ये चीज़ को सीएस को सोचना चाहिए कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, उनको फ्री कर देना चाहिए। पार्किंग है, ये है, वो है, पार्किंग भी नहीं लगना चाहिए। पार्किंग में जो भी लोग जाते हैं, रोगी लोग जाते हैं, पार्किंग को भी ख़त्म करना चाहिए। हम सीएस से निवेदन भी करेंगे कि इस चीज़ को तत्क्षणात ख़त्म कर देना चाहिए। तीन पहिया वाहन के लिए 10 रुपया प्रति घंटा, 4 पहिया वाहन के लिए 20 रुपया प्रति घंटा एवं प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए 50 रुपया प्रति घंटा निर्धारित किया गया है, जो पूर्णतः गरीब मरीजों एवं मरीजों के परिजनों के शोषण का मामला है। इस लौकिक जनहित विरोधी मामले पर रोक लगाने के लिए गरीब मरीजों एवं उनके परिजनों के शोषण पर उतारू है, जिसका राष्ट्रीय जनता दल परिवार पुरजोर विरोध करती है एवं दिनांक 8/3/2019 को राष्ट्रीय जनता दल देवघर महानगर के बैनर तले सिविल सर्जन कार्यालय देवघर में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है एवं महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से उपायुक्त महोदय को एक मांग पत्र समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। अगर आपको नॉन स्टिक की कुकर लेना है तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आए। लुमिनस इन्वर्टर चाहिए या फिर बैटरी तो हमारे रामा इलेक्ट्रिकल्स में आए। जूसर ग्राइंडर चाहिए या फिर घरों को सजाने के लिए सिस्का लाइट्स तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आए। कई उत्पादों का समागम रामा इलेक्ट्रिकल्स, महिला थाना के सामने, देवघर, झारखंड। कॉन्टैक्ट नंबर 7903718368, 7903718368। सभ्यता, संस्कार और उसके मूल्यों की मर्यादा का ज्ञान देते हुए हमें उच्च स्तरीय शिक्षा दी। हम इनके स्नेह के आभारी हैं, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। एसकेपी विद्या विहार वैद्यनाथ धाम की बौद्धिक धरा पर शिक्षा की एक बुलंद अभिव्यक्ति, ज्ञान का कुटीर, एक प्रांगण जो है खेलकूद, सांस्कृतिक संरचनात्मक गतिविधियों का संसार। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि विद्यालय को कैसे उत्तरोत्तर विकास किया जाए। इसके लिए अच्छे अच्छे टीम और फैकल्टी हम लोग मंगा रहे हैं। प्लस टू की भी पढ़ाई हम उतने अच्छे ढंग से कराना चाहते हैं जितने अच्छे की अभी तक में 10th का हमारा रिजल्ट है। शिक्षाविद स्वर्गीय बाबू व्रिगोदर सिंह जी के द्वारा स्थापित
व SKP चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित SKP विद्या विहार बम्पास टाउन देवघर। CBSE दिल्ली से मान्यता प्राप्त 10+2 विद्यालय। आज हमारे विद्यालय से पास आउट बच्चे 3-4 बच्चे IIT में हैं, 3 डॉक्टर हो चुके हैं, बहुत बच्चे CA चार्टर अकाउंटेंसी करके बहुत। आई जस्ट वांट टू बी एन इंपैक्टेड बिजनेस टाइकून। आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आई जस्ट वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर। आई वांट टू डू होटल मैनेजमेंट। And I want to be an IAS. I want to be a banker. I want to be a doctor. I want to be an engineer. My school is best in the city because it has good facilities and the teachers are very good. सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन ही नहीं बल्कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग, क्रिएटिव सेंस डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पेंटिंग, योगा, क्रिएटिव राइटिंग और स्पीकिंग पावर आदि सभी तरह के को क्यूरिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण विकास का प्रयास। SKP विद्या विहार बम्पास टाउन देवघर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के गांधीनगर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। देवघर स्थित विकास भवन के सभागार में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी लाभुकों के बीच किया गया। सीधा प्रसारण के दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा इस साल फरवरी में अंतरिम बजट में की गई थी। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। योजना से असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए कामगार की उम्र 18 साल से कम और 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की जाने वाली एक नई पेंशन योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष के सभी कामगार जिनका कि 15,000 से कम का आय है उसको पेंशन का प्रावधान है। और उसके बारे में आज प्रधानमंत्री लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं जिसको सुनने के लिए हम लोग अपने मजदूर सभी को बुलाए हुए हैं और जिला प्रशासन। देवीपुर प्रखंड में बन रहे बुढ़ई जलाशय योजना में विस्थापित होने वाले लोगों द्वारा बराबर विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को देवीपुर जोरा सिमरा गांव के स्कूल के समीप विस्थापकों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जीप उपाध्यक्ष संतोष पासवान कर रहे थे। मौके पर देवघर जिला परिषद महेंद्र यादव के साथ सैकड़ों विस्थापित ग्रामीण मौजूद थे। बात करने के दौरान जीप उपाध्यक्ष संतोष पासवान ने बताया कि सरकार मनमाने तरीके से ग्रामीणों का जमीन हड़पना चाहती है, जबकि 2001 में बने नियम के मुताबिक किसी भी अधिग्रहण को लेकर जब तक 80% लोग खुद जमीन नहीं दे देते हैं तब तक सरकार उनकी जमीन पर अधिग्रहण नहीं कर सकती है। फिर भी सरकार अधिग्रहण करती है तो इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। बूढ़े जलाशय योजना के यहां पर विस्थापित एकत्रित है, यहां बूढ़े जलाशय योजना के अंतर्गत लगभग 42 गाँव के लोग यहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये लोग डूब जाएंगे, इनका घर, गांव, खेत, जमीन सब जो यहाँ डूबने वाला है। हम लोगों ने एक आम सभा बुलाया है कि आखिर किस परिस्थिति में सरकार द्वारा इनको क्या नोटिस दिया गया, क्या यहाँ पे डैम का सीमांकन हुआ है। जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का जो है जिसमें ये साफ साफ दिया हुआ है कि जब तक किसी भी गाँव के जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या कोई डैम बन रहा है वहाँ के 80% लोगों की सहमति है कि नहीं उस डैम को बनाने के लिए या कोई प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। कुछ हमारे मधुपुर विधान जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, 42 टोटल गांव हैं। हम जब अपने क्षेत्र में घूम रहे थे किसानों के बीच, हम अपने भाई के बीच, अपने गार्जियन के बीच, अपने परिवार के बीच, तो इस क्षेत्र में भूअर्जन विभाग के द्वारा जो कदम उठाया गया है, यहाँ पर जो भेजा गया है कर्मचारी के द्वारा, हर गाँव में 5,000 10,000 घर चढ़ा देंगे, 2,000 दो गाज चढ़ा देंगे, 5,000 दो, ये भ्रष्टाचार का फैक्ट्री ये विस्थापित में खोल दिया गया है। एक तरफ विस्थापितों की सभा चल रही थी, वहीं दूसरी ओर स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी।
दरअसल जोरा सिमरा गांव में स्कूल के समीप विस्थापकों की बैठक हो रही थी और बैठक में विस्थापितों द्वारा बुढ़ई जलाशय योजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण को लेकर विरोध किया जा रहा था। इस विरोध के कारण स्कूल में पढ़ने आए बच्चों का पढ़ाई बाधित हो गया। माइक में हो रहे शोरगुल के कारण शिक्षकों की आवाज बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। हम लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, साउंड का इफेक्ट इस तरफ से कर दिया है, इसलिए हम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता है साफ साफ। हम लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। लोगों के विद्यालय के बगल इस तरह के कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो जाता है। इस तरह पढ़ाई में हम लोगों को कम सुनाई दे रहा है, इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे विद्यालय के सामने इस तरह कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई का बहुत दिक्कत हो रहा है। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप बनी रही है कांचा न्यूज के साथ। नमस्कार। जसीडीह देवघर रेल लाइन पर हादसा होने से पहले रुकी रेल, रेल पटरी टूटने के कारण रेल यात्री घंटों रहे परेशान। इलाज सस्ती के बजाय हुई महंगी, सदर अस्पताल में अब रजिस्ट्रेशन के लिए दो नहीं देने होंगे 10 रुपये। लोकसभा चुनाव में सीवीजी लैब का होगा इस्तेमाल, चुनाव की गड़बड़ी पर आयोग सख्त। और बुढ़ई जलाशय योजना के विस्थापितों ने की आम सभा, मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष मौजूद।